अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ज़ैना कुकिंग किचन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बड़े आसान तरीके से बनने वाली केबिज की सब्जी। जी हाँ, पत्ता गोभी की सब्जी हम बनाने वाले हैं। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है, उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एवरीवन, ताकि ऐसे ही डिलीशियस वीडियो मैं आपके लिए डे बाई डे लाते रहूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने लिया है पत्ता गोभी, इसे बारीक कटिंग किया है और साफ हमने धो के रखा है। उसके बाद हमने लिया है कड़ी पत्ता, 7 से 8 हरी मिर्च लिया है जिसे हमने बारीक कटिंग कर लिया है, कोथमीर, राई, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, टमाटर, आलू लिया है 3 कटे हुए और उस हिसाब से हमने प्याज भी लिया है, 4 प्याज है जो बारीक कटिंग किया है। सारे प्रिपरेशन आपने देखा होगा कि हमने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिया है। इसी के साथ हमने लिया था लहसुन, लहसुन को हमने छोटे छोटे इसमें बारीक कटिंग कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है, तो हमने लहसुन भी लिया है। अब हम प्रिपरेशन करते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमने गैस ऑन कर लिया है, इस पर हमने तपेली रखी है, 3 चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें राई ऐड करेंगे। राई ऐड करने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो हमने बारीक काटे हुए हैं। ऐड करने के बाद उसे सुनहरा होने तक का हम रखेंगे पकाने के लिए। अभी हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, इसे भी हम साथ में पका लेंगे। ये सारे मिश्रण को हम अच्छे से पका लेंगे जब तक थोड़ा सुनहरे कलर में ना आइए। हम 5 मिनट लगेगा प्याज को अच्छे से पकने में और सुनहरा कलर आने के लिए। आप भी घर में अपने रेसिपी इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एवरीवन, ताकि मैं ऐसी ही डिलीशियस वीडियो आपके लिए डे बाय लाते रहूँ। देख सकते हो प्याज सुनहरे कलर में आ चुका है। अभी हम इसी स्टेप में ऐड करेंगे लहसुन, जिसे हमने थोड़ा सा बारीक पीस लिया था। हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे लहसुन को, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में भूनकर। प्याज और लहसुन अच्छे से पक चुके हैं अंदर तेल में। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, ये ऐड करेंगे। 3 मिनट हो चुके, हल्दी को हमने अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कोथमीर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये टमाटर पूरे गल जाए। हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और टमाटर को अच्छे से मेल्ट करना है और अच्छे से पकाना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे पकाने में, तो इसे अच्छे से पकने देना है। पक चुका है, तो आप देख सकते हो माशाल्लाह, देखिए काफ़ी अच्छी रंगत भी दिख रही है। केबिज अक्सर आप पीले कलर की ही बनाए तो अच्छा दिखने में भी अच्छी लगती है, तो इसे पीले कलर में ही बनाने की कोशिश करें। इसे रोटी के साथ, चावल की रोटी में बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है, अभी इसी स्टेप में हम इसमें ऐड करेंगे, इस स्टेप में हम इसमें आलू ऐड करेंगे। करने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं आलू को ऐड करके। अब हम इसमें ऐड करेंगे केबिज यानी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की आंच को बिल्कुल स्लो रखिए ताकि मसाले अंदर से जल ना जाए। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है एवरीवन, सिर्फ आपको इसे ढक कर रखना है ताकि ये जो केबिज के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी पहले से ही होता है, क्योंकि हम इसे वॉश करते हैं तो पानी पूरा सूख जाता है इसके अंदर ही, तो इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है हमें। हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढक कर कम से कम 5 मिनट तक का ढककर स्लो आंच पे से पका लेंगे। मिक्स कर लिया है, देखिए माशाल्लाह कलर देखिए इसका, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा होगा आपको। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ये ट्राई करें। ये डिश काफ़ी सिंपल रेसिपी है, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। सिर्फ स्पाइसी आपको अगर जैसा हिसाब से खाना है उस हिसाब से तीखी मिर्ची ऐड करिए। इसे हम ढक कर रखेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम फाइनली इसे सर्व करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे, अभी तक हमें और पकाना है इसे, सिर्फ आपको हम पलटा के बता रहे हैं। पूरा अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसे मसाला, देखिए हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं ऐड किया है, तो देखिए माशाल्लाह लग रही है ना, काफ़ी डिलीशियस। तो आप अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करें एवरीवन। ये सूखी खाने में ही माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैंने इसलिए कहा था आपको आज स्लो रखने, ताकि मसाला जले नहीं नीचे से। देखिए बिल्कुल आज स्लो रखना है आपको। देखिए सिर्फ आलू गल जाएंगे, आलू पक जाएंगे तो इसे हम निकाल लेंगे। एवरीवन आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत डिलीशियस लग रही है रेसिपी। डिपेंड करता है कि आपको कैसा तीखा खाना है, उस हिसाब से आपको इजी एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स में मैंने आपको आज बताई हूँ पत्ता गोभी की सब्जी, केबिज की सब्जी हम कहते हैं इसे,
तो ये हमने बड़े आसान तरीके से बनाया है, तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एवरीवन, ताकि ऐसी ही मैं रेसिपी आपके लिए लाते रहूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन बाय एवरीवन।